हेलो एवरीवन, आज बेहद खास आज आप लोग इंग्लिश में गुड मैनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुड मैनर्स में वेलकम वेलकम के बारे में बताऊंगा, वेलकम के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत खास है। मेरे चैनल का नाम है नया सोच नई सपने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और यह वीडियो कैसा रहा है इसके बारे में भी दें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम वेलकम मीन्स क्या होता है ना, स्वागत है, किसी को वेलकम करते हैं, जब आता है तो वेलकम करते हैं, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं उस समय वेलकम को हम तीन प्रकार से यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और हर जगह थैंक यू जब भी बोला जाए, थैंक यू बोला जाता है वहां पर वेलकम चिपका दिया जाता है, थैंक्स बोला जाता है तो वहां पर वेलकम चिपका दिया जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, वेलकम वेलकम हर एक का एक जगह है, तो हम आज जानते हैं। तो वेलकम वेलकम का प्रयोग इट्स ओके भी होता है, इट्स ओके वेलकम, वेलकम के जगह पर इट्स ओके भी बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर भी बोलते हैं, और वेलकम भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज बोलते हैं। अब देखेंगे कि कब कैसे यूज करते हैं, इट्स ओके का बोलते हैं, इट्स माय प्लेजर का बोलते हैं, और वेलकम का बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला यूज ऑफ इट्स ओके। अब इट्स ओके का भी यूज करते हैं, जब सीनियरिटी की बात आती है तो हम इट्स ओके यूज करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, जैसे किसी के पिताजी अगर कुछ दिए तो थैंक यू बोलते हैं, तो पिताजी बोले इट्स ओके। या अगर को जैसे कि एग्जांपल है, रोहन गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, टीचर बोलते गुड मॉर्निंग, रोहन बोलता है सर आई हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज सर सॉल्व दिस, या प्लीज सॉल्व दिस सर, तो टीचर सॉल्व कर देता है, टीचर सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रोहन के से थैंक यू। तो सर, तो यहां पर वेलकम नहीं बोलेंगे, टीचर कभी भी वेलकम नहीं, इट्स ओके बोलेंगे, ओके ना इट्स माय प्लेजर बोलेंगे। तो जब भी सीनियरिटी की बात आए तो उस जगह पर इट्स ओके का प्रयोग करेंगे। अब आप लोग ध्यान जान गए होंगे कि इट्स ओके का प्रयोग कब करते हैं, किसके लिए होता है। तो ये ध्यान रखें, जैसे जॉब में, तो जॉब में है बॉस का एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय कोई भी काम कर दिया और एम्प्लॉय का अगर मान ले गिफ्ट मिले तो क्या थैंक यू बोलता है, तो इट्स ओके बोलेगा, या उसमें इट्स प्लेजर भी हो सकता है, गिफ्ट का अक्सर तो प्लेजर बोल सकते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट है इट्स माय प्लेजर। अब कब इट्स माय प्लेजर बोलते हैं, व्हेन वी गिव समथिंग टू एनी वन अदर पर्सन टेक एंड से दैट थैंक यू। जब हम किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, कोई सामान देते हैं या गिफ्ट देते हैं, एक्चुअली गिफ्ट के सेंस में आता है कि जब हम किसी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और गिफ्ट देते हैं तो वो बोलता है थैंक यू, तो उसका मतलब इट्स उसके बाद जो व्यक्ति गिफ्ट दिया उसको बोलना है, चुप रहेगा तो एरोगेंट कहेगा या बहुत सारे, तो उस समय इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर बाय द वे किसी को हम गिफ्ट देते हैं या कोई भी गिफ्ट देता है तो नहीं चाहता कि हम बार बार उसको गिफ्ट दे, तो इस सब उस समय के लिए होता है इट्स माय प्लेजर, कि या मेरे लिए खुशी के लिए खुशी की बात है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम डिस्क्राइब किए, यू गो टू रोहन बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में रोहन के बर्थडे पार्टी में गए, यू गिव हिम गिफ्ट, और आपने गिफ्ट दिया, तो ही से थैंक यू या थैंक्स, तो देन यू से टू हिम इट्स माय प्लेजर, यू से दैट इट्स माय प्लेजर, इस मेरी खुशी है। तो जैसा कि आप लोग भी इट्स माय प्लेजर का यूज जान चुके होंगे कि अब इट्स माय प्लेजर कब यूज करना है, तो इस चीज को ध्यान दे कि इट्स माय प्लेजर इट्स ओके कब यूज करना है, क्योंकि
बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यक्ति क्या होते हैं ना कि अभी इस तीनों के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो चलिए, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को शेयर करेंगे, अगर बाय द वे आपको बेहतर लगा तो इस वीडियो को और लोगों को ट्रांसफर करेंगे कि हाँ कि इसके बारे में जानिए। ओके, ये इंग्लिश में स्पीकिंग, तो इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करने के लिए ये सब जरूरी है कि आप लोग ग्रीटिंग वर्ड या गुड मैनर्स वर्ड जानकारी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वेलकम। वेलकम है थर्ड, थर्ड है वेलकम। व्हेन यू हेल्प समवन एंड दैट पर्सन से थैंक यू, दैट टाइम यू से वेलकम। जब आप किसी को हेल्प करते हैं किसी भी टाइप का है तो वो थैंक यू बोलता है तब वेलकम बोलेंगे। क्या है कि अगर हम किसी को रोड क्रॉस करवाया, लिफ्ट दिए, तो हम चाहते हैं कि वो बार दोबारा भी हेल्प कर सके, ठीक है, तो उस सेंस में हम वेलकम यूज करते हैं। ओके, तो देन एग्जांपल, यू हेल्प टू समवन टू क्रॉस द रोड, यू गिव लिफ्ट टू समवन, दैट टाइम यू दैट पीपल से थैंक यू। अगर बाय द वे हम किसी को ड्रॉप कर दिए कहीं पे, या किसी को रोड क्रॉस करवा दिए, जो भीड़ रहा था वो रोड क्रॉस परेशानी हो रही थी तो उसको क्रॉस करवा दिए, तो दैट टाइम वी यूज ही से थैंक यू, देन आई रिप्लाई टू वेलकम, वेलकम, यू आर वेलकम या वेलकम, बोथ आर करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आप आज हम वेलकम के बारे में जाने, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो मिलेगा जो और आगे ग्रीटिंग वर्ड के बारे में होगा, गुड मैनर के बारे में होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि यह वीडियो कैसा रहा और किस टॉपिक पर चाहिए आपको वीडियो। थैंक यू दोस्तों।